ये लो। शुक्रिया। तुम्हें कुछ मिला क्या? देखो, तुमने जो एड्रेस और लोकेशन दिया था, मुझे लगता है वो घर यहीं कहीं होना चाहिए। और हाँ, जरा ये देखो, तुम्हें ये घर याद है क्या? क्यों? ये किसी राइटर का घर है, मैंने उसे टीवी पर देखा था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? तुम्हें खून की महक आ रही है? तुम्हें खून पीने का माने तुम मुझे काटने वाली हो क्या? देखो, खून सारे वैम्पायर्स को आकर्षित करता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कभी तुमने ऐसा खाना खाया जो खाना नहीं चाहते थे? हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत बार हुआ है। वैसे ही मैं भी खाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी जरूरत है। ओके, लेकिन ये बहुत डरावना है कि तुमने मुझे खाना समझा। मुझे लगता है तुम खाने से ज्यादा मेरे लिए ड्रिंक हो। ये कहते हुए भी मुझे प्यास लग रही है। तो फिर ये पानी पियो। सुनो, तुम ये डेटा देखो, तब तक मैं इसे धोकर आता हूं। ओके, बाइक को घर से इतनी दूर पार्क क्यों किया है? यही ठीक है, काम खत्म होते ही हम निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि वो इधर है। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? पहले अंदर का काम खत्म करना चाहिए। क्या, घर के अंदर? ए, अब ये मत कहना कि तुम सिर्फ खून करने का सोचती हो। हम यहां वॉक करने नहीं आए हैं। ये लॉक नहीं है। शुरुआत में ही माइक जैकपॉट है। हाँ सर, जहां तक मुझे लगता है इशारा तुमने नहीं किया है, लेकिन हमें अब तक ये पता नहीं चला कि उस नर्स को मारा किसने है। पर अगर वो नेहा थी तो ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि वो जख्मी है, या फिर शायद ये वो क्रिमिनल है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, गुमशुदा नेहा हो सकती है? कुछ और सुराग मिले हैं क्या? अभी और कुछ नहीं मिला सर। सुनो कैप्टन, तुम चाहे कहीं भी जाओ, आज शाम को तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, ये मत भूल। यस सर। कितना दिमाग का दही हो रहा है, आज मैं खुद ही यहां पे फंस गया हूं, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। आप यहां से नहीं जा सकते, लेकिन मैं जा सकती हूं। अच्छा, तो क्या करने वाली हो? मैंने नेहा के घर जाने का प्लान बनाया है, लेकिन मुझे सर्च वारंट चाहिए। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
मैं भी आया। ओ, ये कैसे? तुम्हारा सीनियर ऐसे ही थोड़ी हो। फिर मैं जा रही हूँ। से मिलना है। नमस्ते। नमस्ते। वो हम द वे कंपनी से आए हैं। हमने नॉवल के लिए मीटिंग अरेंज की थी जो आप अभी लिख रही हैं। लेकिन आज तो कोई मीटिंग नहीं है। लेकिन मैंने अपने स्टाफ से पिछले हफ्ते ही आपसे बात करने के लिए कहा था। लगता है वो लोग भूल गए होंगे। चलो रुकिए, प्लीज आप लोग अंदर आइए। शुक्रिया। आप यहां पर कितने सालों से रह रही हैं? बहुत सालों से। मैं एक मिनट में आती हूँ, मुझे फर्स्ट एड की जरूरत है। ये वैम्पायर है या फिर नहीं? ये वैम्पायर नहीं है। क्या? इसके खून की खुशबू इंसानों जैसी है। तो तुमने नेहा के खून से जो कुछ देखा था वो सब गलत था? वो हमें गलत जगह पर ले आया है ना? मुझे नहीं पता। मैंने तो नेहा को कब से नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा, तो नेहा के अलावा और कोई अजनबी उसके रूम पर आता जाता रहता है क्या? नहीं, कोई नहीं। उसे कमरे में अकेले रहना ही पसंद है। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं, वो बच्चे उसके रिश्तेदारों के हैं। वैसे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास सर्च वारंट है? हाँ है। लगता है मैं चाबी भूल गया। तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप जरा मुझे एक मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। यहीं वेट करिए। ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ? ये इलीगल है, मैं अंदर नहीं जा सकती। अच्छा सुनो, वहां अंदर कोई है क्या? हाँ थे, पर अब चले गए। अब तो अब क्या प्रॉब्लम है? मैं अब असली वारंट लेने जा रही हूँ। तुमने अपनी क्लास में टॉप किया था? हाँ। टॉपर्स बुद्धू होते हैं, हर समय रूल्स फॉलो करते रहते हैं। केस के वक्त हमें अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए। अब चुपचाप जाओ। ठीक है, लेकिन संभल के रहना। आप चाबी ले आए? हाँ, ये रही।
पहले सर्च वारंट दिखाओ। ये लीजिए, इसे संभाल कर रखिएगा, अगर ये फट गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। समझ गया। ये खोना भी नहीं चाहिए, संभाल के। हाँ हाँ। इतनी जल्दी कैसे आ गई? काम हो गया क्या? हाँ, ये मुझे वापस कर दो और ये चाबी रखो। इतना कोऑपरेटिव होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वाकई में इस देश के सबसे अच्छे नागरिक हैं। वो सब तो ठीक है, पर आप परेशान लग रही हैं। क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ। सच बोल रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जाना होगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है ठीक है। मैं थोड़ी चोटिल हो गई हूँ, मैंने इनके साथ इतना काम किया है फिर भी मेरी उंगली कट गई, पता नहीं अब ये कब ठीक होगा। सोफिया, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया? ये मेरी माँ का है। माँ का? हाँ। तो वो अभी कहाँ पर है? हेलो, एक मिनट रुको। आप लोग कल मेरे साथ डिनर करिए तो मैं आपको सब बताती हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है। एक्सक्यूज मी। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, क्या आप अपना मेल आईडी बता सकते हैं? क्या रिपोर्ट है? बहुत ही अजीब था, वहाँ कुछ भी नहीं है। मकान मालिक ने कहा कि नेहा यहाँ पे बहुत दिनों से नहीं रह रही है। वो कैसी इंसान है, ना कोई फर्नीचर, ना कोई टीवी, ना कोई पेड़ पौधे, म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है, इस तरह का कोई भी सामान नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, तभी मुझे एक फ्रिज दिखा, उसके अंदर मुझे ब्लड के सैंपल्स मिले। हाँ, उनपे कुछ लेबल्स लगे थे। ब्लड के? हाँ, उनपे सेंटर केयर कॉर्पोरेशन के लेबल हैं। ओके, बहुत बढ़िया सुजन, ऐसे इन्वेस्टिगेट करो। देखो अगर कुछ और मिलता है तो मुझे फौरन रिपोर्ट करो। ठीक है। सेंटर केयर। हे, तुम इनसे नेकलेस के बारे में क्यों पूछ रही थी? मैंने वो नेकलेस अपनी बहन को गिफ्ट किया था। तो वो इनके पास कैसे आया? जितना तुम जानते हो उतना ही मैं। अंदर नहीं जा सकती। सुनो, तुम पुलिस के काम में दखल मत दो। आप अंदर नहीं जा सकती, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, आप यहीं रुक जाइए। ऐसा है तो
मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ। एक कि तुम मुझे चुपचाप अंदर जाने दो, और दूसरा ये सर्च वारंट देख लो। लेकिन याद रखो कि मेरे बॉस तुम्हें गुस्सा होकर कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर खोलो। इसके बारे में मैं अपने बॉस से पूछती हूँ, आप रुकिए। ऐसा है तो वारंट वापस कर दो। डायरेक्टर मैडम, कोई आपसे मिलना चाहता है। हम आपको पेशेंट का रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, आप समझ रही हैं? मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन सुनो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर धनराज। क्या आप मुझे जानती हैं? आप तो बहुत ही मशहूर हैं। मैं कैप्टन सुजैन हूँ, मेरा एक सवाल था। जैसा कि उसने कहा, हम आपको पेशेंट्स के रिपोर्ट्स नहीं दे सकते हैं। दरअसल हम इन बातों को जरा सीरियसली फॉलो करते हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपका पेशेंट गायब हो गया है, मुझे उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स देखने होंगे। इंस्पेक्टर, दरअसल आप जो मांग रही हैं वो बहुत ज्यादा है। लगता है इसके लिए मुझे अपने बॉस को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतनी आसानी से नहीं देने वाले हैं ना। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? मैं हूं कैप्टन कबीर, इस केस का इंचार्ज। ओह, तो आप हैं कैप्टन। मैं ये नहीं समझा कि आप कैसे इंचार्ज हो सकते हैं जबकि आप खुद एक सस्पेक्ट हैं। थोड़ा अजीब नहीं है ये? मेरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, मैं क्लीन हूं। फिलहाल तो मुझे जो भी घटनाएं हुई हैं उन सब का सच जानना है। मिस नेहा के बॉडी में बचपन से ही एबनॉर्मल ब्लड है। आपके पास इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं? देखिए, मैं सिर्फ आपको एडमिट होने के डॉक्यूमेंट्स बता सकता हूं। अगर ये कुछ और होता तो मैं आपको और डिटेल्स देता। समझता हूं, ये लो। अगर कभी कुछ और बताने का मन करे तो कॉल कर लेना। मिस्टर कबीर, आपको ये ब्लड सैंपल्स चाहिए, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल। Thanks a lot. अचानक आप कैसे आ गए सर? क्यों, मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, ड्यूटी तो करनी है। सच में? हो, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं फिर से कहता हूँ, सोफिया एक इंसान है। इसका मतलब ये है कि उसके खून का पता लगाने के लिए हमें उसे काटना होगा। हाँ, लेकिन हमें नया क्लू मिला है, वो नेकलेस जो मैंने अपनी बहन को दिया था। फिर ये पुराने तरीके जैसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बार नेकलेस पर फोकस करना है, ना कि इंसान पर, है ना? लेकिन क्या तुम ये बैकअप प्रोसेस जल्दी कर सकते हो? बहुत लंबा ब्रेक हो गया है, कोई हम पे शक ना करे। ये स्लो है, लेकिन आधे से ज्यादा बन गया है। ए ऐश्वर्या, इधर आओ। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि अपने नए स्टाफ अमन और शिल्पा के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है? हाँ है तो, पर मुझे लगता है कि हमें उनके बीच में दखल नहीं देना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ। ए बकवास बंद करो, जाके अपना काम करो।
हाँ सुनो शिल्पा, क्या आधे घंटे में तुम मुझे अगले हफ्ते का कंटेंट भेज सकती हो? मैं इस हफ्ते का एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो जल्दी करना, मुझे एक आर्ट वर्क भी भेजना है। और अमन, क्या मेरा पीसी चेक कर सकते हो? लगता है उसके अंदर कोई वायरस आ गया है। हाँ बिल्कुल, मैं बस अभी आया, मुझे जाना होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, जल्दी आओ। हाँ चलता हूँ। चलो। ये चिकन काउस्लिप क्रीपर सैलड है और फ्राइड एग के साथ श्रिम्प्स भी हैं। उम्मीद है पसंद आएगा। मेरी बहन, मेरी बहन को मेरे लिए खाना बनाना बहुत पसंद है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। अच्छा सोफिया, तुम्हारे गले में जो ये लॉकेट है, उसमें क्या तुम्हारी माँ की तस्वीर है? हाँ बिल्कुल है। उनका नाम क्या है? उनका नाम रानी है। क्या मैं उनकी फोटो देख सकती हूँ? क्यों नहीं। मेरे पास उनकी बस एक ही फोटो है। मुझे यह नेकलेस मेरे 20th बर्थडे पर मिला था। ये जो फोटो तुम देख रही हो, यही मेरी माँ है। क्या तुम मुझे अपनी माँ के बारे में और कुछ बता सकती हो? बिल्कुल। हमारा रिश्ता बहुत अजीब था। मैं अपनी माँ से बहुत कम मिल पाती थी जब मैं बच्ची थी। मुझे अभी भी याद है कि वो मुझसे मिलने आई थी। 12 साल की उम्र में जब मैं एक ऑर्फनेज में थी, वो मुझसे उस दिन पहली बार मिले थे। उस मीटिंग के दौरान हम दोनों बहुत ही खुश थे। अच्छा ही हुआ, आखिरकार पता चल गया कि वो तुम्हारी बहन की ही बेटी है। इतने सालों में आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपनी बहन के करीब हूँ। अरे टायर कैसे पंचर हो गया? इसकी तो सारी हवा निकल गई है। ये देखो, जब हम आए थे तब ये बिल्कुल ठीक था। इसे पंचर किया गया है। ऐसा किसने किया होगा? या तो कोई शरारती बच्चा होगा या फिर यहां का कोई गुंडा होगा। नहीं, मुझे लगता है हमें आज रात यहीं रुकना होगा। यहाँ? मैडम आप संकोच मत करना, आप यहाँ सो सकती हैं। मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। शुक्रिया। मुझे लगता है कि वो हम दोनों को कपल समझ रही है, तो क्या मैं यहाँ पर
सो सकता हूँ तुम्हें ऐतराज ना हो तो? कोई बात नहीं, मैं हिलूंगी डुलूंगी नहीं, तुम यहाँ सो सकते हो। हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं बिपाशा। दरअसल मुझे एक हेल्प चाहिए थी। अगर ये तुम हो तो तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। हे तुम सो गए क्या? नहीं, यहाँ पर बहुत शोर है। अच्छा, शहर के घरों में ये तो आम बात है, बाहर गाड़ियां चलती रहती हैं, उससे शोर होता रहता है। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है, क्या बात है? किसी बात से एक्साइटेड हो तुम? ऐसा नहीं है। वैम्पायर की सुनने की ताकत बहुत अच्छी होती है। अगर तुम उसे शांत नहीं करोगे तो मैं उसे खुद रोक दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने दिल का ख्याल रख सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर नजर रखो। तुम वैम्पायर हो या इंसान हो? इंसान। मरना चाहते हो? अभी तो नहीं, नजर रखो उस पर। मैं चाहता हूं कि वो बस मुझसे दूर रहे। ठीक है बॉस। बिपाशा, इस बार गलती मत करना। इस बार जो काम दिया है वो सावधानी से करना। मैं किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता। मैं सावधान रहूंगी। कबीर। कंटेंट कहाँ है? आपने कहा था कि वो कंटेंट आप नेक्स्ट वीक में ही मुझे दिखा देंगे। मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ।
हाँ बिल्कुल। वो कहाँ है, लेके आओ। ओके, मैं बस अभी आता हूँ। I'm sorry. ओके। आजा। लाओ मुझे दो। तो चलो शुरू हो जाओ। हेलो सर, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ओह ओके। आ सुजन, हमारी टेबल ऊपर है। मेरा एक सवाल है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नेहा मर गई है? तुम्हें क्या लगता है वो विक्टिम है? ऐसा कुछ नहीं है। वो दो क्रिमिनल्स याद हैं तुम्हें जिन्होंने उसे हॉस्पिटल तक फॉलो किया? वो कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाए। वहां पर एक सीसीटीवी भी था लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखा। तुम कॉप तो बन गई हो, इसका मतलब ये नहीं दिमाग नहीं लगाओ। देखो, एक बात मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है, जैसे जैसे नए क्लूज मिलते जाते हैं सच्चाई भी बदलती है। तुम एक ही सवाल बार बार नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन भी बदल जाती है। नोट कर लो, आप एक सीरियस इंसान हो इसलिए आप मुझे पसंद हो। क्या कहा? मैं सच कह रही हूँ, आपकी जैसे जेंटलमैन की गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। लेकिन मैं, मेरा सारा वक्त काम में जाता है, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, समझे? फिर तो आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको अच्छी तरह समझ सके। किसी ऐसे को ढूंढना जो मुझे समझ सके, इतना आसान काम नहीं है। सर, मैं टॉमबॉय हूं। क्या? मैं टॉमबॉय हूं। सुनो, मुझे लगता है इस वक्त हमें कोई ट्रैक कर रहा है। एक्सक्यूज मी, बिलिंग कर दीजिए। हेलो
तुमको सावधान रहना होगा, समझ गए? Hey, Susan. दो दिन में तुम्हारा सामान तुम्हारे टेबल पे पहुंच जाएगा। एक्चुअली मैं जॉब बदल रहा हूं, तो मुझे अभी जाना होगा। हाँ, अपना ध्यान रखना। थैंक यू। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम वॉक पे जा सकते हैं, बाहर किसी पार्क में। शिल्पा, अब क्या करें? तुमने अपना काम मुझे नहीं सौंपा। वो कंटेंट कब मिलेगा जो मैंने मांगा था? कल मिल जाएगा। कल नहीं, आज शाम को चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए मुझे। बॉस, जो फ्री कॉपी हमने ऑर्डर की थी, मैंने अभी देखा उसमें कलर बिगड़ गया है। मैंने प्रेस में कॉल किया लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम? जाओ यहां से। दरअसल वो बाहर ट्रैफिक बहुत जाम हो गया है। क्या? शिल्पा, तुम्हारे पास मोटर बाइक है ना? कहो कि ये मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ए, सबका मुझसे क्या मतलब है? मैंने सोफिया को 30 साल तक संभाला है। मैं नहीं चाहता था कि वो बेमौत मारी जाए, लेकिन तुम्हारी बहन को देखने के लालच की वजह से मुझे सोफिया को मारना पड़ा ताकि वो राज खुलना चाहे। मुझे छोड़ दो। नामुमकिन है अमन।
तुम यहीं रुको। क्या कहा? मुझे लगा मैंने अपनी बहन को देखा। चलो चलते हैं। सही अब नॉर्मल ब्लड है। हम रिसर्च से यह पता लगाना चाहते थे कि ब्लड डिजीज को किस तरह से रोका जा सकता है। नए क्लूज मिले हैं, नए सवाल भी हैं। सुजन, ये बोर्ड क्लियर करने में मेरी हेल्प करो। जिस बीमारी का सामना करने वाले हैं ये बिल्कुल नहीं है। पुलिस एकेडमी में इसको लेके कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। खून मेरे जैसे इंसान के लिए ये एक लिक्विड है जो शरीर के अंदर दौड़ता है, लेकिन वैम्पायर्स की दुनिया में इसके मायने ज्यादा है। ये एक अटूट रिश्ता है, एक कहानी है, एक याद है। ये शिल्पा की ऐसी सच्चाई है जिसे बाहर आना होगा।